जी अभिषेक, उद्धव ठाकरे आए हैं मंच पर, उन्होंने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी के पैर छुए और उनकी पूरी राजनीति वैसे शिवाजी महाराज के इर्द गिर्द चलती है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा शपथ लेने के पहले। ये कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामी निष्ठापूर्वक अचूक रीतीने पार पाडली आणि संविधान व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा कामी निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रोहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारांचा आणि जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। पुलिस इस तरीके की इजाजत नहीं देती है और ये तो शिवाजी पार्क है जहाँ पर शोर को लेकर अपनी एक लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो ये समय उद्धव ठाकरे ने अभी जो औपचारिकता है वो पूरी कर रहे हैं गवर्नर के बाजू में बैठकर। एक हफ्ते के बीच में राज्यपाल को दूसरी बार ये इस तरीके की शपथ करानी पड़ रही है, एक सुबह के वक्त में और एक शाम के वक्त में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत कम गवर्नर्स की के मौके ऐसे आते हैं कि वो तीन चार दिन में ऐसी सरकारें तुरंत बदलते हुए देखें। तो भगत सिंह कोश्यारी को आप देख रहे हैं इस वक्त में, इनके रोल पर विवाद रहा है कि इन्होंने और जब भी महाराष्ट्र का इतिहास अब जब लिखा जा रहा है तो सबसे कम वक्त के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने कई कारनामे दर्ज किए हैं बतौर मुख्यमंत्री, 5 साल पूरे किए बड़े लंबे अरसे बाद। महाराष्ट्र में वो दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनका नाम अक्षरित हुआ है और अब आप उद्धव ठाकरे को देख सकते हैं अभिवादन करते हुए। और ये उनके चिरपरिचित शैली है, अगर आप लोगों ने उसको देखा हो कि उनके पिता भी आकर जनता के सामने सर झुकाकर स्टेज पर अपना सर नवाते थे। जो बाल ठाकरे की तरह ही उद्धव ठाकरे ने अपना सर लोगों के सामने झुकाया है, नवाया है।